with verb first form and object. Object. He, she, it plus with first form verb of the first verb. Form. Yeah. Plus SES plus object. Object. And now here we have some examples. She goes to college daily. Urzana college jati hai. And she does not go to college daily. Does she go to college daily? Does she not go to college daily? A simple present definite. And now here we have some adverbs. Always, daily, everyday, usually, frequently, generally use करें. ठीक है? हमने ये पढ़ लिया. पढ़ने के बाद जब हम इसको नीचे scroll down करेंगे तो इसकी कुछ नीचे verbal sheets आपको नजर आएंगी. ठीक है? आप यहाँ से आप इसको quit press कर सकेंगे और वापस आप उधर आ जाएंगे. और इसमें आपने फर्स्ट वाला ओपन करना है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. दिस वन ओपन. यस सर. ओके, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. अब इसमें यहां शुरू में एक लिखा हुआ स्टार्ट, इसको भी आपने प्रेस नहीं करना, ना ही रीसेट करना है. आपने पहले इसको कंप्लीट करना है. इस बबल, इस बॉक्स के अंदर आपने वर्ब यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, द बेबी वॉन्ट्स आएगा यहाँ पर. वो लिखा द बेबी वॉन्ट्स, इसको टाइप करें. फिर सेकेंड में ऑल द चिल्ड्रन है, ऑल द चिल्ड्रन ईट, ईट्स नहीं आएगा बिकॉज चिल्ड्रन आर प्लूरल. देन आप यूज करेंगे चिल्ड्रन टू प्ले कंप्यूटर गेम्स. अब चिल्ड्रन फिर आ गया चिल्ड्रन वॉन्ट. ठीक है, ये फाइव कंप्लीट करें, फोर फाइव कंप्लीट करें. देन अब आपने वर्कशीट कर लिया कंप्लीट बेटा? यस सर. ओके, अभी उसमें ऊपर टेस्ट कुछ पड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ. ये रिवीजन टेस्ट के नीचे बिल्कुल टेस्ट ऑफ प्रेजेंट टेस्ट टू, प्रेजेंट टेस्ट, पास्ट टेस्ट टू, फ्यूचर टेस्ट टू नजर आ रहा है ना, प्रेपोजिशन टेस्ट टू वन. ये स्पेशल टेस्ट है जो कि 2020 सेंटेंसेस के होंगे. इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा. ये सारे का सारा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए. इसमें जब आप वो कंडीशनल कर लें तो फिर आपने एक पहले वाला ये प्रेस करना है. ओके, तो मुझे बताना क्या स्कोर आया है. यस सर. मेरे बाप ने उसे शुरू किया बेटा, प्रेजेंट टेंस वाली को, नंबर वन. चलो अब पांच अगर आपके कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके आंसर चेक करने हैं. ये नीचे देखें, चेक आंसर एंड करेक्ट द रेड बॉक्स. फाइव लिखने के बाद इसको क्लिक करें. 65 बेटा, हम माइट कब यूज करते हैं? माइट पास्ट में यूज होता है, जहां हम प्रेजेंट में मे यूज करते हैं ना, तो अगर हम माइट यूज करेंगे तो पास्ट पे चला जाता है. अब माइट प्रेजेंट में भी यूज होता है. माइट अगर आज देखें, आज बारिश हो सकती है, तो हम कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे. ठीक है, माइट बी रेन. इसी तरह कल के लिए भी यूज हो सकता है माइट, कि आई माइट कम टुमारो. वो पॉसिबिलिटी जब कम हो जाती है. हाँ. You dad need me whenever. Oh, एक मिनट, वो ना कॉल आ गई बीच में. You dash me whenever you need. तो यहाँ पर हम may भी लगा सकते हैं, might लगा सकते हैं. नहीं, sentence पढ़ो फिर दोबारा जरा, मुझे समझ नहीं आई. You sir, यहाँ sentence है you dash me whenever you need. ये conditional sentence one आपने open किया हुआ है. हाँ जी सर जी, 23rd वाला. 23rd वाला, ये नाम ओपन ही मैं कर लेता हूँ. ये है यू डैश मी व्हेनेवर यू नीड. ठीक है, अब यहाँ पर है
यू मे कॉल मी, ये प्रेजेंट की बात हो रही, डेल्टा ओके यू मे जी। कॉल, सर मतलब इसको पास्ट में होगा तो फिर कैसे होगा? माइट आ जाएगा ना, ही सेट दैट ही माइट कम टू मी, ओके हो गया, फिर वो पास्ट में चला माइट जाता है कॉल सेट की वाला वजह वेट से। हाँ ठीक सेट है। से, ओके सर जी, यस ओके। सर मीरा समझ आपने गया। प्रेस किया बेटा? यस सर, इसका फोर्थ वाला समझ नहीं आया। हाँ जी, नाउ लेट सी, फोर्थ में लिखा हुआ है जॉन एंड माइक लिखा हुआ है, और उसका वर्ब उसके साथ यूज हो गया हुआ है, जॉन एंड माइक लाइक। अब नेक्स्ट जब वर्ब आ जाएगा तो उसके साथ हम टू लगाएंगे, जॉन एंड माइक लाइक टू रो लिखे आपका, लाइक टू रो, तो ये ठीक हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम रुकमा, आगे रुकमा, ओके। यहां पर आप लिखेंगे जॉन, यस सर, सुन मैंने कौन सा रुकमा अपना कैमरा ऑफ करो बेटा, कैमरा ऑफ करो, ओके सर, सर कर ओके दिया। ओके। जॉन एंड माइक लाइक टू रो, अब आप इसको क्लिक करें, चेक करें तो आपका वो ग्रीन हो जाएगा। चलें अब आप फाइव फाइव करते जाएं और चेक करके मुझे बताएं कौन से रेड हैं और कौन से ग्रीन हैं, ठीक है रुखमा? ओके सर, रुखमा यस सर, बेटा अपने वो ओपन करें, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पोर्टल पे अंदर आए, वहां पर टेस्ट पड़े हुए हैं। कर लिया। हाँ उसमें टेस्ट है, नीचे रिवियन टेस्ट के नीचे लिखा हुआ टेस्ट ऑफ सर्वे हार्ट, टेस्ट नीचे नीचे एक टेस्ट ऑफ सेकंड सर। सर्वे हार्ट, ये शो हो रहा है, जी हो रहा है ना, तो इसमें आपने प्रेजेंट टेंस जी इसको क्लिक करें, इसमें आपके 20 मार्क्स नंबर आने चाहिए, जो गलत होंगे मुझे बताना है कि मैं फिर चेक करूंगा उसे, ओके। हाँ ओके सर, यू कैन गेट 20 मार्क्स, सर क्लास कितने बजे ऑफ होगी? ये 40 पे हो जाएगी। 40 पे ओके हाँ सर। वो यहाँ अभी नेटवर्क इशू था, आप लाइट एक, गई हुई थी हाँ आप एक कर लो ना, इसलिए। तो उसके बाद आज 9:30 पे भी हमारी क्लास होगी, कल बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहे थे कुछ, मैंने फिर नहीं करवाई। टुडे वी विल हैव 9:30 यस टॉपिक नंबर 18, वो इस पे टाइमर नहीं लगा हुआ, 15 मार्क्स। मीरा 5 और करने हैं, फिर आगे 5 10, इस तरह आपने ना आराम से उसको करना है, फिर मुझे चेक करवाना है कि आपने कौन कौन से आपके करेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी फिर मुझे आपने बताना है। तो जी मैंने कंप्लीट हो गई है फर्स्ट वाली कंडीशनल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जन्नत, आपके पास सर्वे हार्ट में प्रपोजिशन वाली एक पड़ी हुई है, ठीक है जी सर उसको, जी हाँ वो करें तो उसके पूरे नंबर आने चाहिए, जरा ध्यान से करने हैं, बड़ी टफ है वो, यानी आपकी ओके सर जी कामन कामन नहीं है वो, जरा थोड़ा सा आपने ना पढ़ी हुई है लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन अभी मेरा हाल है आपकी जी वो सर जी एक्सरसाइज काफी हो गई हुई है, इंशाल्लाह वो आफ्टर 20 यू कैन डू इट मच जी सर बेटर। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यस दिस इज मीरा द चाइल्ड नंबर 6, यस सर, द चाइल्ड 6 आवर डेली, अब चाइल्ड सिंगुलर है तो यहां पर क्या लिखेंगे, द चाइल्ड स्लीप्स, आफ्टर 10 चेक योर रिजल्ट एंड टेल मी दैट हाउ मेनी आर रेड एंड हाउ मेनी आर ग्रीन।
सर आई हैव डन 20 आउट ऑफ व्हिच फोर्थ वन वाज इनकरेक्ट फोर्थ वन जॉन एंड माइक लाइक टू रो फोर्थ वन इज जॉन एंड माइक लाइक टू रो लुक एट द स्क्रीन इट्स ग्रीन यस सर ओके एंड द नेक्स्ट वन इज 5 फोर्थ Which one you told me? Fourth and? Sir, only fourth one. Only fourth one. Okay, go on. Well done. Carry on your worksheet. When you have done the whole worksheet, then the second time you have to press retake. This one. Retake the quiz and use timer. That is start. Then you have to check it out within 10 minutes. Sir? Yeah. Rukma? Kya result aaya aapka? Enter your details, ma'am. Main apna name dena na? Yeah. Just write your name. Name. Just write your name. Tu start quiz nahi kar raha. Nahi kar raha. Okay, ho gaya. Excuse me, sir. Yes. मैं बस अपना एक कॉन्सेप्ट आपसे रिव्यू करना है. Engaged भी हो और मैरिड भी हो उनके साथ टू. नहीं अगर पैसे वाइज होगा ना तो उसमें आप हाँ he was engaged to. तो engaged to Aisha और Aisha is engaged to my. Yeah. जी सर जी. ओके ठीक हो गया सर ये 7 वाला नहीं हो रहा आपने कर तो दिया है क्या सेंटेंस बोलो जरा सर अभी नहीं स्पीक आउट योर सेंटेंस 7 हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास फॉर द टेस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास Have qualified. Question form, na? So how many students in your class have qualified for the test? At present, actually it is at present. So let me check it. This is quiz. Pass.
सर सेंटेंस नंबर 33 वाला नहीं हो रहा। सेंटेंस नंबर 33 दिस इज चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग PLAYING जस्ट प्लेइंग आना है इसमें, एंजॉय के बाद सिर्फ नाउन लिखना है, गेम है, क्लिक करेंगे करेक्ट हो जाएगा। ये देखें स्क्रीन पे, चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल इन द स्ट्रीट, एंजॉय प्लेइंग। सर वो फिर भी इनकरेक्ट ही आ रहा है। अच्छा, तो आपने देखना है बेटा, चेक करना है कि आपने स्पेस तो नहीं एंड पे दी हुई, स्क्रीन पे देखो कर्सर, ये चीजें कुछ सीखें। ये देखें ये कर्सर जो है ना, अगर आप यहाँ रखेंगे ना स्पेस होगी, आपने अगर मोबाइल से चूज करोगे तो स्पेस आ जाएगी ये वाली, एक ऐसे ये एक स्पेस नहीं होनी चाहिए यहाँ, देखें ये बिल्कुल इसके साथ होना चाहिए कर्सर। स्क्रीन पे देखें बेटा, लुक एट, ओके सर। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, अगर स्पेस होगी तो ये रेड होगा, ये देखें। Still red है। Look at, ये देखें playing है, सही है लेकिन red है, लेकिन जैसे ही space हम खत्म करेंगे, इसको correct करेंगे तो फिर वो green हो जाए। Look at, now it is green. Okay sir. Oh, this one. Yeah, Rukma. Done. Sir, my 15 is done. 15 we have done out of 15. एक स्क्रीन शॉट, यस सर, वेल डन वेल डन। इट कैन शो आवर रिजल्ट, नो नो, व्हेन यू सबमिट इट शो द रिजल्ट, सबमिट इफ यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस देन सबमिट, या एंड देन इट विल शो द रिजल्ट, हियर इज दिस मैसेज, व्यू द रिजल्ट, यस सर। How many marks? Sir, my third one is wrong. Oh. Third sir, main. No. Which one? Fifth one. Sorry, she can't come to the phone. She is at present. She is studying at present. Here one is study. Okay. All is done. Number? All is done. That is out of 14 out of 15. Good. Not bad. It's good. 15 out of 15. Again. Yes. That's good. Okay. Okay, sir. Now come back. Come back to the picture description. I'll come back. जब आपने एक कर ली ग्रामर की कोई वर्कशीट हो गई, उसके बाद फिर आपने अपने पिक्चर डिस्क्रिप्शन पे आ जाना। Picture description पे? Yeah. Okay sir. Picture description. Sir, I'll come. Go here. On my picture description. Picture description. There is my picture. Yeah. Yes sir. Hmm. Which one sir? Picture description. Which one would you like? Have you done the baby picture in the? In the library. Okay, wait. I'll see. Just I show you. There is a picture description of a baby sitting in a library. Sir, there is a butterfly one. Here it is. This one. This one. What he is thinking? Sir, he's thinking about a new, like a new topic, new subject. Hmm? No, he's happy. He's thinking about something. But why he's happy? Look at his eyes. Happy. Look at his lips. Look at his eyes and lips. In this picture, actually. Sir, I didn't found that one picture. Which one? This one. Which one? It is in the on display. Look at the screen.
इट्स देयर ओके नाउ लिसन ओके सर लिसन इन दिस पिक्चर ही इज वेरी हैप्पी व्हाइल रीडिंग ही हैज गॉट सम आइडिया ही हैज गॉट सम सॉल्यूशन That was previously he was not clear. Idea. Yeah, yeah, no, not new idea. New idea. Previous idea. That idea was confused in his mind. That was a really, a confusion in his mind. Now when he has read these lines, and while he was reading these lines, he got the solution. That's why he has raised his finger. And he is happy. Yes, sir. That is the one, the idea. And the second one is, he is trying to think a new idea. He is trying to find some think new about ways. A new idea. Yeah. Now he's sitting in a library. There are books, and books are the store of knowledge. So in this, you can write a complete four paragraph. First one is object. Then hidden object are there, and then you can see the message, the system. Can you tell me what is the system in this picture? The idea? System designed by Allah Almighty. Which one is there? Mind, thinking power. Thinking power, yes, well done. Allah has given us a mind, and our mind has great power of thinking, and it is up to us that how we can use this mind, and it is up to us that how we can evaluate the things around us, and when we do some experiment, when we have learned something, we can write in books. And in these books, yes, there is huge store of knowledge, of previous experiments, of previous experiences. And all this is related to mind. That is the real system. Everybody has got mind. Everybody can think differently. Excellent. Well done, Rufma, well done. Now you can write and you can leave the class and send me this picture. Send me the description of this picture. Okay? Excellent. Sir, I will send you a voice message of that. Okay. Thank you. Allah Hafiz. Take care.